बट्टा दुख के समय और दुख भरे गाने आएंगे क्या क्या? हाँ, अब एक तो कुछ नया देख के मन बहलाऊंगा कह रहा था। अच्छा, तो याद तेरी आएगी मुझको बड़ा तड़पाएगी, क्या क्या खुलता है साला यहाँ। यार मत जा कि मेरी बात भी बाकी है, तेरे वादे की मुलाकात भी बाकी है। यही रह गया जिंदगी में गोविंद, बंद कर। साली ये भी गई है तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ याद व्याद आती के ने मेरे बुढ़े को कहता हूँ चले जाओ, कई दिन हो गया समधी घर गया नहीं है। इसके भी पैर नहीं फूटते घर से, क्या बटा। इसका क्या है भाई, मरी जब से तो इसको टेंशन ही नहीं है। औरत का दर्द मर्द का दर्द क्या होता है क्या समझेगा, न जाने भी नहीं देता। बरसिंग काट, ये कर वो कर, देखना मैं भी अभी तैयारी करता हूँ जाता हूँ। अब रह के नहीं होता गोविंद, बुड्ढा माने ना मत माने, अपन चलो करता हूँ फटाफट तैयारी, निकलता हूँ कहाँ कहाँ। शादी हुई थी उस साल, ऐसा गाँव गई थी हमारे यहाँ की, तो मैं मन मानी गाना गाया था। रे कौन सा वाला गाना था? हाँ अच्छे से गाता हूँ, इधर रास्ते में कोई सुनने के भी नहीं बैठे। हाँ, अरे खटिया माना बत्ती बुझाना, कुंदी लगा दे की वाड़ मा, दुनिया जाए साले भाड़ मा, टडन डडन दुनिया जाए साले भाड़ मा। अरे लटपट मा मिले है जगाए जोखा। फिर कैसा था यार साला यार? Oh, no. हाँ, लटपट मा मिले है जगाए जोखा, फिर नहीं पावे तैसा न मौका। थोड़ किन रुक जा बस हो गया तैयार, मैं टोला करूंगा जी भर के प्यार में, गर्मी आ जाए थाड़ मा, दुनिया जाए साले भाड़ मा, डन डन। अरे घर में आ जाए जाड़मा, दुनिया जाए साले भाड़मा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 पिंकी आजा, एक बार आजा। ओह नो, सपा दम भर ले रही, अभी तो बहुत दूर है, जल्दी पहुंचूंगा, बट मुर्गा बना के खिलाते हैं कहने क्या हमारे। उतारा है चलने देर बाबा। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, अच्छा बैठे बैठे कहीं खो जाता, क्या यही प्यार है? Oh, no. यही है। आह, 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 एक मार चढ़ा रे बाबा। Oh, no. दम भर गया गोविंद, जाते से पसर जाऊंगा। Oh, no. जे जाऊंगा है ना, जे सोऊंगा तो उठने का नहीं बटे को, आधा एक घंटा कोई बोलेंगे अभी तो नहीं बोलने का। साला अभी तो 3 ही किलोमीटर आए हैं गोविंद, फिर भी साला पूरा थक गया। गन्ने का रस पी लिया जाए यार। अरे देख भाई कैसा चला रहा है, गन्ने का जूस गिरा देगा क्या? अरे यार ब्रेक जरा धीरे लगता है और हमारा स्टाइल भी ऐसा ही है। बनाओ ना। क्या गर्मी है यार। अरे कैसा लगा है गन्ने का रस? 15 रुपए भैया। अच्छा, सस्ता नहीं दे रहे हो? नहीं सस्ता नहीं है। अरे 20 बेचा करो यार। नहीं यार, देहात चल रहा है ना, देहात में घूम रहे हैं अपन। अरे तो हम भी देहात में ही रहते हैं भैया, तो शहर में चलता है 20-25, अपने यहाँ 15 ही चलता है। अच्छा, पुदीना डालते हो? डालते हैं ना पुदीना, धना, अदरक और मसाला, सब मसाला वसाला सब डालते हैं। तो बनाओ एक गिलास।
वैसे कहाँ जा रहे? अरे हम अपनी बीबी को लेने जा रहे हैं इसके मायके, तो सोचे थोड़ा एनर्जी आ जाए, गन्ने का रस पीकर। अच्छा बनाओ जरा। हाँ बनाते हैं। पुदीना भी डालना है? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया। ओ ये है पुदीना। ओह नो। ये है धना। ये गन्ना है? हाँ गन्ना है ना। बहुत बारीक है यार हमारे वाले से। ओह नो। कैसे बारीक है? अरे हमारे खेत के गन्ने से। अच्छा बहुत बारीक है गन्ने से। लेकिन भैया इसको लखवा हो गया था क्या? लखवा उखवा नहीं यार, कहाँ गन्ने में लखवा हो जाएगा। तुम एक काम करना, हमारे गांव आना, हमारे गन्ना बाड़ी से बहुत सारा गन्ना लाना। ओ, तो कैसे दे दोगे आप गन्ना? अरे हमारे तरफ से ऐसे ही ले आ लेना। अच्छा तुम्हारे पास के गन्ना देख के दया आने लगी हम। ओ झाक दे रहे हैं इसको। हाँ ओ। और देखो भैया थोड़ा ज्यादा देना यार हमको। नहीं भैया जितना बड़ा गिलास है उतने दूंगा। अरे हाँ उतना ही। हाँ, वही तो। कुछ लोग क्या है थोड़ा सा। नहीं नहीं वैसा गलती नहीं करते अपन। और 5 रुपए है तुम्हारे पास? है 5 रुपए है ना, ला दो। आओ। अरे पूछोगे नहीं काहे मांग रहे हैं 5 रुपए? हम काहे को मांग रहे हो 5 रुपए? क्योंकि हम तुमको 20 की नोट देंगे यार। अच्छा बनाओ जल्दी। बहुत गर्मी है यार तुम्हारे गाँव में। गर्मी तो चलेगी भैया, गर्मी का दिन आ गया। अभी कहाँ आया है यार, कब आएगी? तो सर्दी में? सर्दी में नहीं, अभी टाइम है जरा, उधर अगस्त में आएगी। आओ। बनाए तो मजेदार हो भैया तुम। वो 5 रुपया तो दे दो। अरे भैया पी तो लो यार आप। अरे दे तो दो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी बीवी बार बार फोन कर रही है जल्दी आओ जल्दी आओ, अब रहा नहीं जाता। अच्छा लाओ जल्दी करो। लो यार तुम भी यार 5 रुपए के लिए लाओ भी इसका। दो देता हूँ ना भाई, पहले चिल्लर का मामला तो सुलटाने दो। ठीक है देखो हम जल्दी जल्दी में हैं, अभी पीने का बाकी है, गिलास मत उठा लेना यार। नहीं उठाते, आप पी तो लो। ओह नो। ये यार साला फिर से मिस कॉल कर रही है क्या, फोन लगा रही है यार ये। हैं बाबू का फोन कहाँ आ रहा है बे? हाँ क्या? अरे ससुराल जा रहा था पिंकी को लेने। हाँ नहीं नहीं ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, अरे एक जगह रुका था, गन्ने का रस पी रहा हूँ। अच्छा कौन मर गया? ओह नो। कैसे कैसे? जहर खा के? ओह नो। अरे इसको भी आ जाए, मरना था क्या? कैसा करूँ अब? तो जाऊं क्या वापिस आऊं? अरे तो बाबू किसी के भी साथ चले जाना तू, मैं इतने दूर आ गया हूँ। अरे दोनों भाई में से किसी को भी ले जा लेना को। अच्छा तेरा भी, चल रुखाता हूँ भाई। यार अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या बताएं यार, समझ में नहीं आ रहा है अब। क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे साला कोई गमी हो गई। हाँ हमारे रिश्तेदारी में। ओह नो। तो अब हमको घर जाना होगा। हाँ तो ठीक है हम घर जा रहे हैं, और गन्ना के लिए जरूर आना हमारे घर। तो भैया गन्ना के लिए तो आऊंगा, लेकिन पैसे तो दे दो जो जूस पियो वो। अरे अजीब आदमी हो यार, हम तुमको 1000 रुपए का गन्ना दे रहे हैं फोकट में, और तुम 15 रुपए के पीछे भिड़े हुए हो। तो भैया वो आऊंगा तब ले लेना आप 1000 रुपए, लेकिन अभी तो 15 रुपए दो। अरे हम फोकट में देने की बात कर रहे हैं भाई। फोकट में मैं नहीं लाऊंगा ना, मैं 1000 रुपए दे के लाऊंगा। तुम पक्का आना? हाँ तो 15 रुपए दे के तो जाओ। अरे तुम घर तो आओ यार, ठीक है यार भैया गरीब आदमी आना जरूर। नहीं भाई, oh no! हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए है? कुछ मिला के कुछ नहीं चाहिए पैसे। अरे तुम गन्ना के लिए आ जाना, हम दे देंगे। ठीक है पैसे तो दे दे यार। बाय बाय टाटा आदमी है यार। ओह नो। अरे चपाकी में यही काम बच गया सोनू तेरे पास में। भाभी गाँव क्या गई है साला, पूरा घर में बात मेरे से बनवाते हैं। शादी कर दे तो? नहीं कहाँ शादी, अभी नहीं।
अच्छी खासी जिंदगी थी भाई सिवनी की रे। अच्छा कहाँ की कहाँ, घर आया आदमी, घर में कुछ होगा। बात रांधिया बना दिए मेरे बाप गिनने मेरे को। Oh, no. कोई मतलब नहीं है, मैं भी भागूंगा। सही कहते हैं लोग, गाँव गए गवार हुए। Yes. बन गए गवार, भेदरी तोड़ रहा है आदमी। अरे तुम्हारी, मेरे बाप को बोला एक टन कार ले दे मेरे लिए। अच्छा अभी शादी का सीजन भी निकल गया पूरा, धीरे धीरे ऐसा नहीं कि दो पैसा कहीं से भी आए। बस क्या बताए आदमी रे, फिर जिंदगी खराब है। एक तो शादी नहीं करवा रहा है, दिमाग खराब वहाँ हो जाएंगी। हो जाएंगी क्या? सलाम है, टेंशन नहीं हुई मेरे को, तो हो गया अकेले को। कहाँ ये अंजियों के काम है बाप। सुझा दिए रे बिजली। बाबू का भी डेंग डेंग ही रहता है यार, अकेला कुछ नहीं कर सकता, दिमाग खराब वहाँ। अरे गोविंद, अरे सुन तो यार। अबे रहने दे, तेरे जैसे खाली पीली मेरे को जानते यार। अरे भाई इधर, तेरे काम की बात। अरे तेरा भी यार डेंग डेंग ही रहता है। तेरे ही फायदे की बात है ना यार इधर। अबे क्या फायदा बे, अरे जल्दी जाना यार, मेरे बाबू का फोन आया था। कहाँ जा रहा है भाई इतनी जल्दी, क्या है तेरे को? अरे भाई कौन तो खत्म हो गया, कहने लगा जल्दी आ, कहने लगा तेरी भाभी को लाने जा रहा था मैं। Oh, no. भाभी को लाने जा रहा था? अबे मायके गई है यार। अरे तू भी कैसा, आज तू रहने देना यार 8-15 दिन यार वहाँ पे, तो घर में कौन काम करेगा यार। अरे यार ये भी बात सही है, तुमने को सोनू की शादी क्यों नहीं करवा दी? मेरा बाप मानेगा जब। अबे तो बाबू को थोड़े शादी करना है तेरे, वो सोनू को करना है। अरे तू तो जानता है मेरे भाई मेरे बाप को यार। अच्छा एक बात बता, आजकल काम धंधा क्या कर रहा है? अरे क्या करूंगा यार, खेती बाड़ी कर रहा हूँ और क्या करूंगा। तुम यहीं पे रह सकते हो। तू तो ऐसा बता रहा जैसे तेरे को नौकरी लग गई होगी। नौकरी लग गई? अबे पगले में नौकरी लगवाता हूँ, खुद नहीं करता, पागल हो गया। कब से बे? मतलब सुन, 11 लेबर भिजवाया अभी। अच्छा नागपुर? तू मेरे को भी लेबर ग्रेड में समझ रहा है? मेरी बात तो समझ। अबे लेबर मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ईंट खंतीच खोदना है। तो लेबर तो उन्हीं को कहते हैं यार। अरे यार लेबर मतलब क्या होता है, काम करने वाले जितने भी होते हैं वो लेबर वर्ग में आते हैं। बात समझ नहीं। कोई कंपनी वंपनी? हाँ 550 रुपए उनको मिल रहा है दिन का। हाँ 450 से अपन ने भिजवाए। अच्छा दलाली खाता है? Oh, no. दलाल है क्या बे? अरे दलाल नहीं सुन, और तेरे को शर्म नहीं आती क्या बे? चलो ये लेबरों के पेट पे लात मार रहा है, तू 100-100 उनसे कमा रहा है। बस बस यही छोटी सोच के कारण आज तू यहाँ पे। एक बात सुन, यदि सिर्फ मेहनत करने वाला लखपति होता ना, सिर्फ मेहनत करने से आदमी लखपति बन जाता ना, तो हमाली करने वाला आज करोड़पति अरबोपति होता। दिमाग की भी मेहनत होती है, आई बात समझ में? और रही बात यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई वो लोग, 150-200 रुपए दिन में यहाँ पे यहाँ वहाँ हमाली कर रहे थे, शाम को 50 की दारू पी लेते थे। वहाँ गए हैं अच्छे पैसे, जब कंपनी में आरू दारू उठका गुटका कुछ अलाउ नहीं है, समझ रहा तू? तो यहाँ से तो अच्छे है, वहाँ पे कम से कम सुकून में। तू जल्दी बता यार, फिर मेरे बाप को मैं कहीं लेके जाना है, उसके बाद में फिर अपन बैठते हैं। तेरे को मैंने इतनी बार बताया, तूने कभी ध्यान भी नहीं दिया ना यार। अरे तू भी तो उड़ते उड़ते बताता है बे। तुम्हारे सोनू इतना पढ़ा लिखा है, मेरे पास उसके लिए भी जॉब है। अच्छा बेटा बिन्नी कहाँ से आ रहा है बे, टूटा फूटा? तू बेटा एनजीओ में ड्यूटी करने गया? तूने भेजा था क्या? पागल हो गया क्या, मैं इसी जगह में नहीं भेजता। अरे बंटा कैसा बे, तू तो एनजीओ में ड्यूटी करने गया था। 10,000 रुपए तनखा चले गया था, 10,000 तनखा थी, कागज चले गया था, कॉपी झोला। 10,000 रुपए तनखा कॉपी झोला में? सर्वे ने पहुंचा दिया भैया। काय का सर्वे करने गया था यार? वो मकान मकान का क्या क्या बताया था, कई दिन भर करता था। अबे पर ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे तो फेल परी में रखे होंगे। सुन तो गोविंद, हाँ मैंने को पूरा दिन भर मैंने पूरा सर्वे करा, थोड़ा सा बच गया था 2 घंटे का। हाँ, अच्छा तो मैं एक घर में गया। हाँ मैंने उनको घर में एक
बाई थी और एक उसकी सासू माँ। दुखता है क्या बे? अरे खून निकल रहा, बंटे मत कर। ये हाथ भी टूट गया क्या? ये यहाँ भी टोंगरा भी। साले उल्टे सीधे काम किया होगा, थेतराए होंगे। नहीं सुन तो गोविंद, मैं उसको कहा भाई, मैंने कहा हाथ भर मेरे को ये तुम्हारी सामने पर्ची में। अरे तू आज ही बोल बे, मेरे को घर निकलना है। एक चाय दे देना और एक चादर दे देना। हाँ। मेरे दो घंटे का काम बचा है, मैं कल निपटा के चल जाऊंगा। अच्छा तो भैया उनने भाई ने चटाई भी दे दी, आदर भी दे दी। मैंने भैया बड़े प्यार से चटाई बिछाया। अरे जल्दी जल्दी बोल यार, तू यार अलग नाटक कर रहा है। भले अच्छी भाई थी दोनों, मैंने को हाथ भी खिलाए, पर भैया हाथ में ठंडी की वजह से ना मेरे खर्राटे आते थे मेरे को, तो नींद नहीं आई, थोड़ी सी आई। अबे जल्दी बोल, मेरे को मैयत में जाना है। तो, अबे सुन तो, मैयत में जाना है? अरे मेरे बाबू का फोन आया था। बंटे 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 मर, तो, अबे बाबू नहीं बे, बाबू मर जाएगा तो फोन कहाँ से करेगा बे। तो मेरे को खर्राटे आ रहे थे, तो मैंने खर्राटे में घर में रहा था तो रजाई उड़ता, ऐसा मैंने तब लग रहा था तो खर्राट लिया। बाजू वाले कमरे से आवाज आई, इतने आ जाओ रजाई मिलेगी। मैं चले गया। oh, no! पर अंदर अंदर फिर तेरे को रजाई दिए? रजाई दिए सोया। आधा पौन घंटा बीता और ट्यूशन नंबर वाले कमरे से आवाज आई, ऊते को हो जाए तो इतने आ जाना। अब ऊते भी चले गया। अरे यार भैया नींद लग गई, तो अब सुबह मोहल्ले वालों ने ओह नो मस्तक में का फोड़ डाल। अबे लेकिन रजाई लेने में कोई मारता है क्या बे? अब गलत फैमिली हो गई उनको, तो मैं क्या। अबे फैमिली नहीं बे, गलत फैमिली। घर में कितने लोग थे? दोनों सास बहू थी बस। रजाई तूने अकेले ने ओढ़ा था? मोहल्ले वालों ने देख ली थे। पर सुन रहा है बंटी, ये साला कुछ ना कुछ वहां लफड़ा किया होगा, मौका दे बता। लटकुटेल इसके साथ में भी नहीं रहने का। सुने होशियारी बताएगा साला। मेरे बाबू को मत बता। अबे पूरे गांव भर बताता हूँ अब। oh, no!